की बार किसकी सरकार, यूं तो जल किसके संग, आइए देखते हैं साधारण न्यूज चैनल के साथ। आम आपसे बात कराते हैं विधानसभा दशमन नगर से अरुण यादव जी से, जो आने वाले समय में दावेदारी कर रहे हैं कि मैं विधायक बनूंगा। तो दो अगर विधायक बनते हैं तो उनकी क्या विकास कार्य योजना के लिए रहेंगी, आपकी बात कराते हैं अरुण यादव जी से। अरुण जी जी, अगर वहाँ की जनता ने, दशमन नगर विधानसभा की जनता ने अगर हमको मौका दिया तो कांग्रेस पार्टी की हमेशा विकास की सोच रही है, गरीब के उत्थान की सोच रही है, दलित के उत्थान की सोच रही है, माइनॉरिटी के उत्थान की सोच रही है। तो उसी उद्देश्यों पर चलते हुए हमारा भी यही रहेगा कि अगर हमें वहाँ की जनता ने जिम्मेदारी दी है तो हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा और हर वर्ग को आगे ले जाने का काम किया जाएगा। जैसा लोगों का मानना है कि वहाँ सतपाल का गढ़ है या सपा का वहाँ से प्रचंड हमेशा लेना पड़ा, तो कांग्रेस वहाँ कितनी मेहनत से क्या कर सकती है? देखिए, कोई किसी का गढ़ नहीं है, ठीक है। लगातार डरा धमका के वो लोग चुनाव जीतते रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो पता लग जाएगा कौन का गढ़ है। अगर गढ़ी था तो मैं आपको याद दिला दूँ, पिछले जिला पंचायत के चुनाव में वो खुद कैबिनेट मंत्री थे, अपने बच्चे को जिला पंचायत का चुनाव नहीं जिता पाए, काहे का गढ़ है भाई? कैबिनेट मंत्री रहते हुए जिला पंचायत के चुनाव तो सरकार के होते हैं, उनका बेटा खुद वहाँ से हारा था, तो कोई गढ़ नहीं है। अब लोगों का मानना है कि उन्होंने दशमन नगर में काफी अच्छा विकास कराया, अगर आप विधायक बनते हैं तो आप दशमन नगर में किस तरीके का विकास कराना? आप लगातार 30 सालों से खुद आदरणीय मुलायम सिंह जी, खुद शिवपाल सिंह जी लगातार वहाँ से विधायक रहे हैं, आप वो मुख्यमंत्री रहे हैं, कई पदों पर रहे हैं, आप पूरे जसवंत नगर विधानसभा में कोई ऐसा कारोबार बता दीजिए जिसमें 50 लोगों को रोजगार मिला है। केवल और केवल लूट खसोट करके अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने शुभ चिंतकों को उन्होंने बढ़ाया है, उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी बात हो गई, इंडस्ट्री लगाना तो उनकी सोच में नहीं है तो वो लगा ही नहीं सकते हैं। कोई ऐसा आप पूरे जसवंत नगर विधानसभा में आप ताखा से लेके और आप जो है कछौरा तक जाके देख लीजिए, कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा ही लगाया जिसमें एक साथ 50 लोगों को रोजगार मिला हो, तो वो उनकी सोच ही नहीं है। उनकी सोच तो गुंडे के दम पे और जबरदस्ती करके चुनाव जीतना है, लेकिन अब वो वहाँ की जनता अब वो नहीं होने देगी। इस बार किस तरीके का माहौल लग रहा है आपको, किस तरीके से मतलब चुनाव की संभावना देख रहे हैं? देखिए, माहौल तो ठीक है। आदमी देखिए, एक बात समझ लीजिए, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग वहाँ चुनाव लड़, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है। आप देखिएगा, बार बार चैनलों में ये होता है, जब भी कोई पूरे प्रदेश में कोई विपत्ति आई है, चाहे हाथरस कांड हो, चाहे आगरा में अरुण वाल्मीकि की हत्या का मामला हो, चाहे उन्नाव की मामला हो, चाहे उसमें सोनभद्र का आदिवासियों का मामला हो,